ये आपको इस वक्त की बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। तो बता दें आपको कि बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने है। कोरोना का कहर लगातार जारी है और देश भर में कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है और फिलहाल कोरोना के 39,726 केस सामने आ रहे हैं। 154 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तो वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रभावित केस बताए जा रहे हैं। तो बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो गुजरात, केरल, तमिलनाडु में भी केस बढ़ रहे हैं। तो पंजाब, हरियाणा में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। तो यहां महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र बताया जा रहा है। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और आए दिन कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। लगातार कोरोना के केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में कोरोना के 39,726 नए केस सामने आए और 154 कोरोना संक्रमितों की मौत बताई जा रही है। तो फिलहाल महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र बताया जा रहा है। तो बता दें आपको कि पंजाब, हरियाणा में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लगातार कोरोना के केस बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जानकारी के लिए गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे कि देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इस बीच कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, कोरोना का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां अभी अगर बात करें 2-3 महीने पहले की, तो जहां पर कोरोना के जो केसेस थे पूरी तरह से एक तरह से ब्रेक डाउन लग चुका था, लेकिन अचानक से एक बार फिर कोरोना के केस में इजाफा हुआ और यही वजह है कि पूरे देश में एक बार कोरोना का फिर से जो तांडव है वो शुरू हो चुका है। अब बात करें मध्य प्रदेश की, बात करें तो मध्य प्रदेश में भी दिन प्रतिदिन कोरोना के जो लगातार केस है वो भी उसमें भी बढ़ोतरी हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस अब तक पाए जा चुके हैं और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र की तर्ज पर लगातार कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी अब जहां प्रतिदिन 700, 800 और 900 केसेस आने चालू हो चुके हैं। आज की ही बात करें तो जो आज शाम जो रिपोर्ट आई थी, कल शाम रिपोर्ट, उसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो 917 केस कोरोना पॉजिटिव के आए, जहां इंदौर की बात करें तो 294 और 184 भोपाल में आए। तो लगातार कोरोना का संक्रमण और ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि जो रिकवरी रेट है मध्य प्रदेश की बात करें तो हालांकि रिकवरी रेट अच्छा है, यहाँ पर कोरोना के जो केसेस है उनमें रिकवरी अच्छा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के जो केस एक बार इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो चिंता का विषय है। और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू जो है वो 2 शहरों में मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में लगा दिया गया है। जी, देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।